हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर डाला है, जहाँ आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सलूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक देने की कोशिश करूँगा। और मैं जो भी स्टूडेंट आज इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और से अधिक हर अपडेट आप लोगों तक जा पहुंचता रहे और आप लोग भी कुछ सपोर्ट हम लोगों के लिए भी करो। अब क्या है, मैंने कल काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा, कल लास्ट वाली जो वीडियोस थे उसमें मैं खुद काफ़ी डिमोटिवेट था। बट अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चों का जो मोटिवेशन को देख के ना, जो खुद में एक मोटिवेशन आता है, जो भाई आज के टाइम में आप लोग देख लो, अनिल भी सर के पास देखो, जो कुछ नहीं करता वो आप देखोगे बोलेगा ज़्यादा। मुझे भी आज, मैंने आपको सुबह की बात बताता हूँ, सो के उठाई एक लड़का, ऐसे मान लो उसने ऐसी कोई गंदी गाली नहीं बची जिस जो मुझे नहीं बका हो, जो अनडिसेंट कर रहा है उसने कुछ नहीं ना। अगर मैं आप उसको स्टेटस दिखाऊँ तो ना उसने आज तक एक रुपये हेल्प किए सिविल वर्ल्ड के केस के लिए, ना वो कहीं गया, ना उसके अंदर हंगा है जो वो कुछ कर ले। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर बोल दूँ तो कोर्ट के, आप लोग एक बात देखो यार, जो बंदे कोर्ट में आप लोगों के खिलाफ CWP दायर करने गए आपसे रिलेटेड, तब तो आप लोग थे नहीं, बट अभी सभी बच्चों का कहना है सर आप हार गए ये वो। अरे एक बात बताओ, हार जीत अलग जगह है, क्या मैं पीछे हुआ हूँ क्या? ऐसा रहता तो मैं अपने वकील साहब को कल कह के भेजता, सर कुछ हो जाए, बच्चे का पेपर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप सेकंड हेयरिंग मत लीजिएगा। क्यों लिया भाई, आपको क्या लगता है मेरे पे लोड आपसे ज़्यादा पड़ा? पहली बात तो आज मैंने सर को कह दिया, एक पल को मैं खुद डिमोटिवेट था, मैंने सोचा है थर्ड हेयरिंग में क्या जाना क्या नहीं जाना, होगा तो इग्नोर ही करेंगे, सर को बोलेंगे सर आप जाके देख लो जैसा सही लगे। बट आज मैंने सर को कॉल किया उन बहनों को देख के जो भैया अनिल भी सर के ऑफिस के बाहर गए, तब लगा ना भाई अब बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए जो हो रहा है बिल्कुल गलत है। जब इतना साथ दिया तो लास्ट हेयरिंग भी क्यों नहीं होगी? 100% मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जिस अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट और सेकंड हेयरिंग करवाई है उसी अकॉर्डिंग मैं थर्ड हेयरिंग भी आप लोगों का हाईकोर्ट में करवाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप लोगों ने क्या समझा, 4 अगस्त को जो आप लोगों की हेयरिंग है वो हेयरिंग भी जिस अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकेंड हेयरिंग हुई है उसी अकॉर्डिंग हमने सर को कहा है सर आप बिल्कुल अपने केस की तैयारी करो, हम जीतेंगे हारेंगे वो एक अलग बात है, बट HSBT भी पूरी जिंदगी याद रखेगा जो भैया क्या बंदों से हमने पंगा लिया और कहाँ परेशान करके रख रखा हूँ। आप लोग देख लो, खुद जाके आप लोग पढ़ो यार, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, क्या नहीं किया HSBT ने आप मुझे बताओ। आप कहते हो मैं कभी ये नहीं गिनवाता जो बच्चों के, आप लोग खुद सोचो 2018 वाले बच्चे फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हुए किस वजह से हुए भाई, आप लोगों के प्रेशर की वजह से। सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं आप लोग देखिए इंटरमीडिएट वाले क्यों प्रमोट हुए भाई, आप लोगों के प्रेशर पे। अब थर्ड ईयर के जो 6 सेमेस्टर के जो बच्चे हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर डी फार्मेसी के, उन बच्चों का भी सलूशन क्यों नहीं मिलेगा? काफी बच्चे कहते थे सर एग्जाम के बीच में गैप दिलवा दो, मैंने तुम्हें पहली वीडियोज में कहा था बाबू ये इतना मेहनत का काम है, जो मेन मेहनत है उस पर मुझे मेहनत करने दो, डेट शीट बदलना तो दाएं हाथ का काम है। आप लोग जाके देख लो आज HSBT ने क्या नोटिस दिया है फेसबुक साइट पे, साहब हम जो है सभी बच्चों के पेपर के बीच में एक गैप दे देंगे, दिया है या नहीं दिया ये बात मैंने पहले बोला था ही नहीं। अरे बच्चे तुम लोगों को लगता है ये इंसान बेवकूफ है, ये इंसान बस बना रहा है हमें कुछ नहीं कर रहा, एक पल को ना खुद को अपने पास आके रख के देखो मेरे पास, तब पता चलेगा मेहनत कितना है, एक बार खुद करके देखो यार। गालियां बकने से फालतू की चीजें करने से तुम्हें लगता है जो भैया हम तो बड़े इंसान बन जाएंगे सर की नजर में, कहता क्या है एक लड़का का मैसेज आया वो ये कहता है जो तुम कभी कहीं मिल ना जाइए, अरे बाबू जिसका कोई ना उखाड़ सका कुछ उसका तू उखाड़ेगा। हाँ चलो ये बात है हवाबाजी सही लगती है, अपने जगह तक रखो उन बच्चों को बोलो जो तुमसे डर जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था हमें तो भाई किसी से डर नहीं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को कह देना चाहता हूँ मैं आप लोगों के सपोर्ट में एनी टाइम खड़ा हूँ। डिमोटिवेट होना बाबू बनता है, साला 4 तारीख का हेयरिंग डेट, 3 तारीख को ये कहते हैं हम एप्लीकेशन, आज ये नोटिस निकालते भाई हम एडमिट कार्ड दे रहे, इसका मतलब क्या मैं डिमोटिवेशन बनता भाई, इतने पैसे मैंने लगा दिए आप लोगों से ज्यादा, कोई बच्चा 500 कोई 400 300, मैं अभी भी कहता हूँ जिस बच्चे से जितना होता है ना सर आप लोग हेल्प कीजिए, नहीं करोगे मैं प्रेशर नहीं डाल रहा, जो तुम लोग करो तभी मैं थर्ड हेयरिंग करवाऊंगा, ना तुम लोग हेल्प नहीं करोगे तभी भी मैं थर्ड हेयरिंग करवाऊंगा, बट मेरा साथ मत छोड़ो, इसलिए साथ मत छोड़ो, ये यही लड़ाई खत्म नहीं होता, अभी तो बाबू बहुत कुछ बचा हुआ है,
अभी तो इनसे हमें बहुत कुछ लेना है, अभी तो इन्होंने बहुत टाइम दिया, बहुत इन्होंने बच्चों का, कहाँ गया प्लेसमेंट, आप प्लेसमेंट का डाटा दो, कहाँ गया जो कॉलेज की फीस जो बच्चों से जबरन ली जा रही है, सब कुछ का डाटा लूंगा, बट आप लोग बस साथ दो। अगर अब भी आप लोग साथ नहीं दोगे, अब भी अगर आप मेरी कमियां ढूंढोगे, तो बच्चे आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। देख लो हर पूरे प्रशासन उनके साथ, सरकार उनके साथ, सब कुछ उनके साथ है, बस आपके साथ एक भगवान जैसे सिर्फ बच्चे मैं हूं। आप लोग देख लो दुनिया में, आप लोग खुद बहुत यूट्यूबर है जो एचएसबीटी से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, एक भी बंदा बता दो जो ये कहता हो, दो तीन है जो स्टूडेंट ही हमारे, वो एक टाइम में मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, आप लोग जाके पता करो। तो मेरा कहना ये, उनको छोड़ के आप लोग जाके देखो जो कोई आपका सपोर्ट करता है, तो आप मेरे को आके जूता से मारो। सबके सब एचएसबीटी का गुणगान गाते रहते, क्यों गाते रहते, आपको क्या लगता है? एचएसबीटी से मिलना एक देखो क्या है, एचएसबीटी के सेक्रेटरी से सब बना के रखना चाहिए, क्यों, वहां फ्यूचर है, लेकिन आपको कोई फ्यूचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले की दया से ट्यूशन ही इतने अच्छे चल रहा है, जो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्यूशन नोट्स पैसे कमाने के लिए काफी है, हमें इनकी चमचागिरी नहीं करनी, ठीक है, लेकिन गलत करेंगे तो हम इनके खिलाफ जाएंगे। बस मैं दो बात कहना चाहता हूं, आपने देखा पेपर का डेट में गैप मिला, मिला या नहीं मिला बच्चे, तो बट अगर मिल रहा है ना, अगर कुछ मिल रहा है, कम से कम मुझे गाली तो मत दो यार। एक बंदा क्या, मैंने केस रिटर्न लिया क्या, एक बच्चा बोल दो जो मैंने आपका केस रिटर्न लिया, कभी कोई कह दे थर्ड हेयरिंग, आज सुबह सर को कॉल किया, सर कुछ भी कर लो, 100% एफर्ट लगाओ, केस हारे जीते, लेकिन आपके अंदर कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए, जो होगा हम देख लेंगे, हमें ऑफलाइन पेपर देना है, हम मान गए अपनी हार, लेकिन सर कोर्ट में ऐसी बातें रखो जो ये साले भी याद रखे, जो इनके पास अगली बार से सोच समझ के बच्चों के खिलाफ कोई डिसीजन ले, ठीक है। तो ये सारी बातें, कोई घबराओ मत, मैं खड़ा हूँ यार, अभी मत घबराओ, जो होगा, अगर जेल भी होगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बट मैं सभी बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, बच्चे जितना आप लोगों से होता है आप लोग तैयारी भी करते रहो, पेपर ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, ब्लेंडेड मोड में हो, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, आप लोग तभी पास हो पाओगे जब आप लोग पढ़ोगे। आज अनिल भी सर के पास, हमारी काफ़ी बहनें गई, काफ़ी बॉयज़ भी गए, तो उन लोगों को देख के मेरे को मोटिवेशन मिलता है, जो देखो इस बरसात के मौसम में राजेश गोयल सर अपने घर बैठे, मैं भी जो वर्क करता हूँ, जो मीटिंग करता हूँ घर से करता हूँ, आप लोगों मैं क्लियरली बताऊँ, बहुत क्रिटिकल होता तब मैं किसी एडवोकेट सर के पास जाता हूँ, या फिर किसी से एडवाइस लेना है तभी मैं उनके पास जाता हूँ, सर घर पर आते, वरना सब कुछ मैं घर से बैठ के करता हूँ। लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचो जो साहब सुबह 6 बजे से अनिल भी सर के लाइन में लगे हुए, कहाँ गए सर? इंसानियत दिखाना है वहां जाके दिखाओ, जाओ लाइन में खड़े हो जाओ, जाओ हाई कोर्ट में केस डालो, ऐसा है सुप्रीम कोर्ट में केस डालो, तब मानो आप बच्चे के सपोर्ट में हो, तब मानो जो आप गाली दे रहे हो ये राइट है। 500 रुपए आप लोगों से दिया नहीं जाता, और गलतियां ढूंढते हो जो बंदा आपके लिए इतना कर रहा है, उसके अंदर क्या फायदा सर? इससे कुछ नहीं होगा, इंसानियत खत्म होगी, अगली बार से कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, इतना याद रखना। लेकिन मैं आज कह देना चाहता हूँ, 4 तारीख की जो हेयरिंग है, गौरव मिश्रा फिर आप लोग कहता है, मैं बिल्कुल आपके सपोर्ट में, और आई होप अगर ऊपर वाले का अगर कृपा रहा तो 100% मैं कहना चाहता हूँ, मुझे अभी भी लगता है जो कहीं हमारे हित में ना फैसला आ जाए, इनकी अप्रोच धरी की धरी रह जाए, इनकी मेहनत धरी की धरी रह जाए, जब हमारा केस स्ट्रांग होगा तब। तो ठीक है बच्चे, तो ये सारा कुछ था, घबराओ मत, पेपर में गैप मिला ना, मैं कह रहा था ना गैप मिलना कोई बड़ी बात नहीं, गैप मिल गया। अनिल भी सर के पास हमारी बहनें गई है, काफ़ी बॉयज़ भी गए, वहाँ से क्या आता मैं आप लोगों को अभी जो शाम तक मैं बता दूंगा, और जो भी हो रहा है होने दो, ये जो दे रहे डेट शीट देने दो, जब डेट शीट बदल सकता है तो घबराने की बात नहीं, एग्जाम मोड भी बदलेगा, बट आप लोगों का सपोर्ट रहे, ऊपर वाले से दुआ करो, इंसानियत देखो हर जगह, कम से कम ऊपर वाला तो भाई कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे, साहब कोई तो मेहनत का फल देगा ना, मेरे पैसे आप लोगों के पैसे जो आपने 100 रुपये दिए हैं या 500 दिए या 1000 रुपये, आपकी भी मेहनत की कमाई है, या मैंने आपके लिए 50,000 लाख रुपये लगाए तो वो मेरी मेहनत की कमाई है। तो मेरा कहना ये है, मेहनत की कमाई लगाए, मेहनत लगाए, तो इसलिए बाबू कोई ना कोई जो फल है वो हमें 100% मिलेगा, अब आगे देखो क्या होता है। इसलिए बच्चे घबराओ मत, जो होगा अच्छे फेवर में होगा, बट मोटिवेटेड होके पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई में कोई बच्चा कोई कमी मत छोड़ो। बाद में कि हम लोग बैठे हैं, मैंने आज कह दिया आप लोगों को, रात में डिमोटिवेट हो रहा था बाबू, कुछ कंडीशन ऐसा होता है जो मैं खुद डिमोटिवेट, बट आज जब बच्चों का मैंने जुनून देखा, बिना बताए हमारी बहनें वहाँ पहुँच गई, बिना कुछ किए हमारे लड़के वहाँ गए, तो लगा ना भाई बच्चों के साथ गलत हो रहा है, इनके खिलाफ साथ देना चाहिए। मैं खुद सोचा यार थर्ड हेयरिंग में क्या अब सर के चार्जेस भी नहीं दूंगा, जो होगा देखा जाएगा, ऑफलाइन ही पेपर है तो, लेकिन आज मैंने कहा सर आप थर्ड हेयरिंग में जाओ, बिल्कुल जहाँ से होगा मैं ला के दूंगा, जब इतने पैसे दिए तो एक हेयरिंग के और भर दूंगा, लेकिन आप जाइए और आप केस स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाद की हम पे छोड़िए, बाद की हम बैठे हैं। तो ये सारा अपडेट था बच्चे, तो अब घबराओ मत, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, जिसको जो गाली देना है देते रहो, उखाड़ कुछ नहीं पाओगे गाली देके, इतना रहता ना, तो तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो ना उस कॉलेज के चेयरमैन ही बहुत गाली देते हैं, एक पे एक प्राइवेट कॉलेज में नाम नहीं लूंगा, सोनीपत पानीपत पता कर सकते हो, बहुत चेयरमैन के फोन आए
जो साहब ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, बहुत प्रिंसिपल ने उखाड़ लिया, घंटा कुछ नहीं उखरा, उनके बाप से ही कॉल करवा देता हूँ, ले भाई बात कर ले। तो ये सारी बातें होती है, ये चलती रहती है। चलो कोई बात नहीं, सर की अप्रोच मैं मानता हूँ, मैं राजेश गोयल सर के बारे में ज़्यादा कहना आप सही नहीं समझता है, मतलब स्टेट तक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये सारा अपडेट था, ठीक है बच्चे। तो चलो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, लव यू, घबराओ मत कोई, मैं साथ खड़ा हूँ, बट तैयारी करते रहो। ओके बाय।